आप सब सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से गायब था और अचानक से आज कैसे वीडियो में आ गया। तो अपने साथ कुछ हुआ यूं कि एक भयंकर वाला कांड हुआ कल रात को। तो एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं तो डीपली वहां से आपको पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ मेरे साथ। तो अबे इतना सीरियस होके क्या सोच रहे रे? कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा था कि इतने दिनों से सब कुछ अच्छा अच्छा कैसे जा रहा है, कुछ भी कांड नहीं हो रहा। तो अब तुझे इस बात से भी प्रॉब्लम होने लगी नहीं है? नहीं वो आदत सी हो गई है ना कि रोज रोज कुछ ना कुछ उल्टा होता ही होता है यार, तो हैबिट बन चुकी है। तो आज पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। चल छोड़ यार, और बता ओ फक, क्या हुआ। शिट 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 अबे यार बताएगा भी कुछ, क्या हुआ? यार, हार्ड डिस्क का पार्टीशन डिलीट हो गया पूरा का पूरा, जिसमें मेरा सारा इम्पोर्टेंट डेटा फिर ऐसे था। कैसे हो गया अचानक से? सब तेरी गलती है, आ जाता है सुबह सुबह दिमाग खाने। रुक रुक ओके ओके यार, जाता हूँ तेरी। ना। तो यार ये कांड हो गया और जितना भी डेटा था मेरा जो इम्पोर्टेंट था, तो सारा कुछ मैं लैपटॉप में ही करता हूँ अपना। जितना भी वर्क वगैरह है, वीडियो एडिटिंग या जो भी सॉफ्टवेयर है स्टडी से रिलेटेड, वो सारे इसी में डाल रखे थे। और मेन बात यही कि ड्राइव भी वही डिलीट हुई जिसमें वो सारा डेटा पड़ा था। वैसे मैं बैकअप रखता हूँ अपनी फाइल्स का, लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने से मैंने बैकअप नहीं लिया इसका। तो जितना भी नया डेटा था वो सारा जा चुका है। और रात को मैंने एक रिकवरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, डेटा रिकवरी, उससे भी इतना कुछ हुआ नहीं, रिकवर नहीं हो पाया। और अभी एक नई प्रॉब्लम सामने आ रही है, ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ है और इसे हमें सही करने के लिए बूटेबल यूएसबी या हार्ड ड्राइव बनाना पड़ेगा। तो हार्ड ड्राइव पड़ा है अपने पास और इसमें विंडो वगैरह की फाइलें भी हैं, बट इसे बूटेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए चाहिए हमें दूसरा पीसी। तो आज जाके ये वाले महाशय हमें काम आने वाले हैं, इतने दिनों से बंद पड़े हैं। अभी इन्हें चला के देखते हैं कि चलते भी हैं या नहीं। लो अब इसके भी नखरे झेलने पड़ेंगे। बेसिकली मुझे पता है ये प्रॉब्लम है क्या, मैं सॉर्ट आउट भी कर लूंगा, बट काफी सारे लोग ऐसी सिचुएशन आने पे मैकेनिक के पास भागते हैं कि भाई सिस्टम को क्या हुआ। ये वाली प्रॉब्लम तब आती है जब रैम के बीच में मिट्टी हो या फिर रैम हिली हुई हो। तो स्टिक को निकाल के उसे दोबारा क्लियर करके हम लगाएंगे तो ये चल जाएगा। चल गया इतना, मतलब यार ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए ना हम कभी मैकेनिक के पास नहीं जाते हैं। और लास्ट टाइम मैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग कब गया था याद भी नहीं आ रहा है। तो जितना भी हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का काम होता है वो सब मैं अपने आप कर लेता हूँ, काफ़ी इंटरेस्ट है बचपन से इन चीज़ों में। तो इतना कुछ होता नहीं है, मेरे को बहुत कम ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ के लिए मैं टेक्नीशियन के पास जाऊँ। तो अभी फिलहाल इसे बना के बूटेबल और लैपटॉप को करते हैं स्टार्ट, और उसके बाद देखते हैं अगर डेटा रिकवर होता है तो ठीक, वरना कंटेंट तो हमें मिल ही गया आज के वीडियो के लिए कि हमारा डेटा हो चुका है करप्ट। तो हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, एक तो हम उसे कितना नेगेटिवली लेते हैं और दूसरा नेगेटिव चीज़ को ही हम कितना पॉजिटिवली लेते हैं। तो कल रात को हुआ कुछ यूं कि टेक बाय ऋषभ यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड करते हैं हम डेली, तो उसका एडिटिंग करते करते काफ़ी टाइम लग गया मेरे को। एंड उसे अपलोड कर रहा था तो 12 बजे का टाइम हो रहा था उस टाइम, और नींद भी आने लगी थी। तो नींदों में ही ना डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाके मैं देख रहा था कि कोई पार्टीशन फ्री पड़ा है क्या। तो वहां जाके क्या हुआ, गलती से सिंक्रोनाइज करने की जगह मैंने डिलीट वाला बटन दबा दिया और जो डी ड्राइव था जिसमें सारा डेटा पड़ा था वो हो चुका डिलीट एकदम से। हम किसी चीज़ को जब फॉर्मेट करते हैं तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, हमें वार्निंग भी आती है कि यस या नो अगर आप करना चाहते हैं या नहीं। बट जैसे ही हम पार्टीशन को डिलीट करते हैं तो उस टाइम कोई भी वार्निंग नहीं आती, जैसे ही डिलीट बटन को प्रेस किया करते ही सब फुस। तो अभी फिलहाल करते हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, आपको अपडेट देते रहेंगे। 2 days later यार बोलने को तो डेटा ही डिलीट हुआ है पर 3-4 दिनों से जिंदगी झंड हो गई यार, क्योंकि
ना ही मैं कुछ वीडियो बना पा रहा हूँ, ना ही कुछ अपलोड कर पा रहा हूँ। और जो रिकवरी सॉफ्टवेयर थे, एक भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं छोड़ा मैंने जिससे रिकवर ना किया हो। सबसे ट्राई किया, डेटा के नाम पे रिकवर हुआ तो कुछ मूवीज और कुछ फोटो जो कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़ी थी तो किसी काम नहीं आई। और अभी फ़िलहाल मैंने बिल्कुल न्यू इसके अंदर विंडो डाली है। जितना भी कुछ अभी आप देख रहे हैं वो सब मैंने डाउनलोड किया है, कुछ भी पहले इसमें था नहीं, तो न्यू मैंने विंडो डाली। और जितना भी इसमें डेटा है वो सारा अभी मैंने डाउनलोड किया, क्योंकि इसका बैकअप नहीं था मेरे पास, तो सारा का सारा दोबारा से किया है। और अभी मेन बात अपने पास ये है कि अपने पास प्रीमियर प्रो आ चुका है, तो आज करेंगे वीडियो की एडिटिंग। और टेक चैनल पर भी यार 2-3 दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि शूट करने का क्या फायदा जब एडिटर ही नहीं है अपने पास। तो कल रात को सारा सेटअप किया है मैंने, और आज देखते हैं वीडियो शूट करते हैं। और आज एक और इंटरेस्टिंग बात की, अभी अभी थोड़ी देर के अंदर एक्लिप्स लगने वाला है, सूर्य ग्रहण, तो काफी बड़ा बोल रहे हैं वो। और उसका स्टार्टिंग होगा राजस्थान से, तो अपने लिए मजे की बात ये रहेगी कि हो सकता है कि अपन उसे कैमरा पे रिकॉर्ड कर पाए, क्योंकि इस बार क्या है, फ्लेमिंग रिंग दिखेगी। तो सूर्य ग्रहण जो होगा, अक्सर क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, लेकिन इस बार साइडों से थोड़ा सा रिंग टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। अभी मैं न्यूज़ चैनल पे चेक कर रहा था, तो देखते हैं यार उसे अगर कैमरा में कैप्चर कर पाते हैं तो काफी बढ़िया रहेगा। तो ट्राई करते हैं, अभी थोड़ी देर में एक्लिप्स लगने वाला है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि शाम हुई हुई है, बट ऐसा है नहीं। अभी टाइम हो रहा है 11:45 और अंधेरा हो चुका है। इस टाइम फुल धूप होती है, बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इंस्टा वाला फिल्टर लगा दिया हो। तो बिल्कुल, मतलब ऐसा तो यार बादल होने पे भी नहीं होता इस तरीके का कंडीशन जितना अभी हुआ पड़ा है। सो ये कंडीशन मेरी बैक साइड से विंडो से दिख रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने टाइम लैप्स लगाया था, बट उसमें इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं आगे थोड़ा जैसी और बढ़ेगा तो पूरा सर्किल हमें वो जो रिंग बोल रहे हैं, रिंग दिखेगा वो इस कैमरा में दिखता है या नहीं। अगर DSLR होता तो काफ़ी अच्छे से दिख पाता, बट मोबाइल कैमरा से थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना कैप्चर होता है उतना आपको दिखाएं। फाइनली गाइज, अभी आपने देखा एक्लिप्स। और एक तो ना यार ये कोविड वाले चक्कर में बाल काफी बढ़ गए हैं। अभी अभी मैंने पिछले 3-3.5 महीने से हेयर कट नहीं करवाया, तो काफी जंगली जंगली सी फीलिंग आती है देखता हूँ, तो इसलिए कैप वगैरह लगा के रखना पड़ता है। एक बार तो मैंने सोचा कि बालों को लंबा करके देखते हैं, पूरी हाइट इनकी करके देखते हैं कैसे लगते हैं, लेंथ पूरी बढ़ाएंगे। और कभी कभी बीच बीच में यार मन होता है कि कट करवा लेता हूँ, लेकिन अभी सिचुएशन इतने बुरे चल रहे हैं, मन भी नहीं करता है कट करवाने का, तो उसी बहाने से बढ़ रहे हैं। अब देखो कब तक चलते हैं, जिस दिन मन किया उस दिन कटवा देंगे, अगर ऐसे ही रहा तो फिर बढ़ते जाएंगे अपने आप। एंड अभी जो एक्लिप्स देखा आपने, जितना बता रहे थे ना यार न्यूज़ चैनल में कि रिंग देखने को मिलेगा, ऐसा होगा वैसा, इतना ज़्यादा तो नहीं था, बट हाँ कुछ हद तक देखने को मिला, और फ़ोन में लगभग ठीक ठाक रिकॉर्ड भी हो गया। तो मैंने भी इस बार पहली बार लाइव एक्सपीरियंस किया है इसका, लेकिन आज से पहले कभी मैंने इस तरह लाइव नहीं देखा, बस फोटोज़ वगैरह में ही देखा था। तो आज फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे साथ में शूट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो होप सो आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इन फ्यूचर भी इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए RC17 व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को। और अभी से अपन रेगुलर रहने वाले हैं, हर संडे टू संडे वीडियो आने वाला है चैनल पे, सो बेल आइकन प्रेस करके जरूर जाइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।